वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज द ब्लॉक। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेयर्स एंड ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक आर्किटेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, वो यूजली ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉक्स क्या होता है ये मैं आपको इस क्लास में भी डिस्कस करूंगा। कैसे हम ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ब्लॉक एडिटर के बारे में बताऊंगा, इंसर्शन पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, और भी अदर जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक, हाउ टू अनब्लॉक, कि सपोज आपने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया, अब उसको अनब्लॉक कैसे करते हैं, सेपरेट ब्लॉक, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक वर्सेस ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, एंड डायनेमिक ब्लॉक्स। चलिए तो अभी देखिए स्क्रीन पर एक ये ब्लॉक डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम ऑटोकैड में देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स कहाँ से आता है, कैसे आया। तो मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑटोकैड ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक्स यूज किए हैं। ब्लॉक्स बेसिकली होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने एक फ्रेश ड्राइंग ओपन कर ली है और आपको बता दूँ ऑटोकैड में ब्लॉक कमांड है किधर पे। तो आप देखेंगे ये लेयर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये लेयर्स पैनल के जस्ट बाजू में एक ब्लॉक पैनल है, और जहाँ पर टॉप में आपको दिखाई देगा ये क्रिएट का सिंबल, इट मींस कि यहाँ पर हम ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। इसका शॉर्ट की बी एंटर होता है, और इंसर्ट ब्लॉक भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज ब्लॉक एडिटर भी। तो ब्लॉक एडिटर यहाँ पर है, क्रिएट ब्लॉक यहाँ पर है, इंसर्ट ब्लॉक यहाँ पर ऑप्शन है। बेसिकली ब्लॉक्स के दो फंक्शन होते हैं। ब्लॉक का पहला फंक्शन है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना इट मींस व्हाट, कि जैसे मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया है, वन मोर रेक्टेंगल ये क्रिएट किया है, एंड वन मोर रेक्टेंगल ये क्रिएट किया है। नाउ अभी आप देखेंगे तीनों ऑब्जेक्ट हमारे सेपरेटली सेलेक्ट हो रहे हैं। इफ मैं इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ एंड बी फॉर ब्लॉक, बी एंटर, या फिर इस आइकन पर मैं क्लिक करूँ, तो देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये वो डायलॉग बॉक्स है जो पीपीटी में दिखाई दे रहा था। तो मैं इसका एक नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ, बी वन, ब्लॉक वन, एंड मेक श्योर दैट कि इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये कन्वर्ट टू ब्लॉक ऑप्शन ऑन हो। यूजली ये ऑन रहता है, आप जब इसको चेंज नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यहीं पर ये ऑप्शन रहता है। बाकी अदर ऑप्शन जो ब्लॉक्स के दिखाई दे रहे हैं, तो ब्लॉक्स की भी आपकी एक सेपरेट क्लास होगी डिटेल्स में, जब आपसे बेसिक ब्लॉक्स के टूल्स आने लगेंगे। तो एनीवे अभी मैं यहाँ ओके करता हूँ, एंड नाउ आप देखेंगे जब इन बॉक्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सर्कल मैंने सर्कल ड्रॉ किए हैं लाइक इस तरीके से सर्कल, एंड तीनों सर्कल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ बी एंटर करता हूँ, एंड नाउ इसका नेम मैं डिफाइन करता हूँ बी टू, एंड देन ओके। देन आप देखेंगे कि तीनों सर्कल मेरे एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं और इवन एक साथ डिलीट भी हो रहे हैं। तो ये एक ब्लॉक का पहला फंक्शन था जो आपने देखा। ब्लॉक का दूसरा फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि सपोज ये टू ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया, बी एंटर, एंड ब्लॉक क्रिएट करने के बाद इसका मैंने नेम स्पेसिफाई किया बी थ्री, एंड अभी बी थ्री के बाद देखिए यहाँ पे ब्लॉक ये क्रिएट हो चुका है। नाउ इस ब्लॉक को मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ। तो जब आप कॉपी भी क्रिएट करेंगे तो ये देखेंगे कि आप एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कॉपी होंगे। तो ब्लॉक का जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या फंक्शन है वो देख लीजिए, कि जब मैं किसी एक ब्लॉक को एडिट करता हूँ तो सारे ब्लॉक एक साथ एडिट हो जाते हैं, और इट्स अ मैजिक। क्यों मैजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी देखिए मैं इस ड्राइंग को एडिट करना चाहता हूँ, इस ब्लॉक को एडिट करना चाहता हूँ, तो वो ब्लॉक को कैसे एडिट करते हैं वो देखते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये देखिए ब्लॉक एडिटर ये कमांड है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप बेटर है ब्लॉक एडिटर के लिए शॉर्ट की है डबल क्लिक। किसी भी ब्लॉक पर डबल क्लिक करेंगे तो ब्लॉक एडिटर ओपन होगा, एंड देन यहाँ से ब्लॉक की लिस्ट आएगी आप किस ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से ब्लॉक थ्री सेलेक्ट कर लिया है, बट आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे बी वन को तो मैंने डिलीट कर दिया स्क्रीन से, देन वी वन एंड वी टू मुझे यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहे हैं स्टिल, तो उसका भी एक रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो अभी देखिए ब्लॉक बी थ्री को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। नाउ मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा देन आपके सामने एक ग्रीन स्क्रीन आएगी, सॉरी ग्रे कलर की स्क्रीन आएगी। ग्रे कलर की स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ब्लॉक एडिटर एक न्यू टैब दिखाई देगी, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर भी हैं। आपको होम टैब पर जाना है, एंड देन लास्ट में आपको एक नोटिस करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक क्लोज ब्लॉक एडिटर ऑप्शन है, क्योंकि सम टाइम हम जब बेसिक
जो स्टूडेंट होता है, जो बिगनर होता है, उसके साथ क्या होता है, वो ब्लॉग एडिटर के अंदर आ जाता है एंड देन उसके साथ ऑलवेज ब्लॉग एडिटर ही ओपन रहता है और उसमें ही वर्क करने लगता है। तो उसको पता होना चाहिए कि हमें ब्लॉग एडिटर को क्लोज भी करना है। सो एनीवे, अभी देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रिम कमांड परफॉर्म करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से ट्रिम कमांड परफॉर्म किया एंड देन क्लोज ब्लॉग एडिटर पर मैंने क्लिक कर दिया एंड देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर मैं सेव चेंज कर दूंगा, यस। एंड अभी आप देखेंगे कि यहाँ सारे ब्लॉक्स एक साथ चेंज हो गए। वंस अगेन मैं यहाँ कुछ और ब्लॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, V4, ये V4 मेरा ब्लॉक्स है। ओके नाउ एंड देन मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अभी मैं एक सिंगल किसी भी ब्लॉक पर, किसी भी ब्लॉक को, जरूरी नहीं कि जो ओरिजिनल ब्लॉक है उसी ब्लॉक पर, आप किसी भी ब्लॉक पर जाकर डबल क्लिक करिए एज समथिंग। यहाँ पर कुछ न्यू ड्राइंग क्रिएट कर दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे जो भी एडिटिंग करेंगे, आप ड्राइंग में एडिट करना चाहेंगे इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। एंड मैंने क्लोज ब्लॉक एडिटर पर क्लिक कर दिया है एंड देन सेव इट। अभी देखेंगे इस तरीके से सारे ब्लॉक में चेंजेस हो गए हैं। तो बेसिकली ये ब्लॉक्स मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा था कि जब भी आपको ड्राइंग ऐसा लगता है कि एक ड्राइंग जो आपकी मोर देन वन टाइम, बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती है, सपोज जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग है तो उसमें नट बोल्ट जो होते हैं वो बार बार यूज़ होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई सिविल या आर्किटेक्ट की कोई ड्राइंग है, जैसे इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स है, फर्नीचर्स ब्लॉक्स है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको वाइट कलर से, बेसिकली दीज आर ऑल ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स किधर से हम कैसे डाउनलोड करेंगे, ये ब्लॉक 2 की जो क्लासेस होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको बताएंगे कि आप कहाँ से ब्लॉक को डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी देखिए ब्लॉक का जो पर्पस है वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग ओपन की हुई है, जैसे यहाँ एक सोफ़ा सेट है, तो मैं बता दूँ कि सपोज एक ड्राइंग में सोफ़ा सेट मुझे मोर देन 100 टाइम्स यूज़ होता है या मुझे बार बार यूज़ होता है, तो मैं बेटर है इसको वर्क करने से पहले, इसको कॉपी करने से पहले मैं इसको बी एंटर नेम यहाँ पर मैं सोफ़ा दे देता हूँ, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। एंड देन मैंने ओके कर दिया एंड देन देखिए अभी मैं इस ब्लॉक को कॉपी करता हूँ एंड मैं किसी सीनियर्स के पास में अपनी ड्राइंग को लेकर जाता हूँ एंड सीनियर्स कहता है कि नहीं, यहाँ पर ये जो सर्कुलर आपने सेंटर टेबल क्रिएट की है या ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर, इसको डिलीट करके इसको रेक्टेंगुलर शेप में करो। सो नाउ इफ आपने इसको ब्लॉक से क्रिएट किया है तो आपके पास एक अभी ऑप्शन है कि आप इसको डबल क्लिक करिए, ब्लॉक एडिटर पे जाइए एंड देन यहाँ से इन दोनों सर्कल को डिलीट करके होम टैब पर जाकर यहाँ से एक नया रेक्टेंगल ले लीजिए एंड समथिंग मुझे इस तरीके से एक टेबल क्रिएट करनी थी लाइक दिस। इस तरीके से मैंने ये क्रिएट कर ली और देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग करूँगा तो आप ये देखेंगे कि हमारे जितने भी सोफा सेट थे उन सभी पर रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक कर दिया है, सेव कर दिया एंड देन नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से बैड में और बाकी अदर ऑब्जेक्ट में ब्लॉक का यूज कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ कि ब्लॉक का एक पहला फंक्शन है, ब्लॉक का फंक्शन है ग्रुपिंग करना। दूसरा फंक्शन होता है कि ब्लॉक को जो आपने ब्लॉक क्रिएट कर लिया है आप किसी एक सिंगल ब्लॉक पर क्रिएट एडिट करते हैं तो बाकी अदर ब्लॉक्स में भी एडिटिंग हो जाती है। तो ये ब्लॉक का एक बहुत एडवांटेज है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप ड्राइंग क्रिएट करते हैं और आप किसी सिंबल्स को यूज करते हैं या फिर ऐसे कोई ड्राइंग में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप पहले ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करिए। अभी कुछ और ब्लॉक्स के अंदर ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस ड्राइंग में जब मैं यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट कर रहा था, ये देखिए ड्राइंग है, देन मैं यहाँ से ब्लॉक स्क्रीन से डिलीट कर देता हूँ, तब भी आप देखेंगे कि ब्लॉक्स अभी स्क्रीन से डिलीट हुए हैं बट इस फाइल में ब्लॉक्स हैं। वो कहाँ पर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर देखें यहाँ से B1 आप इसको पिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको V2 एंड देन यहाँ से V3 इस तरीके से आप इंसर्ट कमांड के थ्रू, इंसर्ट का शॉर्ट की होता है आई एंटर, आप आई एंटर पे भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सॉरी ये न्यू वर्जन है 2020-21, इफ ओल्ड वर्जन होता तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो डायलॉग बॉक्स अब इस न्यू वर्जन में नहीं आता है। तो उस डायलॉग बॉक्स से भी हम B1 B2 B3 ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर सकते थे एंड देन इंसर्ट कर सकते थे। बट अभी हमारे पास जो इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट ब्लॉक ऑप्शन, यहाँ पर हमारे पास आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ से पिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूँ। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मेरा इंसर्शन पॉइंट प्रॉपर डिफाइन नहीं है। अब व्हाट इज इंसर्शन पॉइंट वो देख लेते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास में एक सोफ़ा सेट है और इन केस लाइक ये मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान में
जैसे आप देखेंगे कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ। तो देन अभी मुझे यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट डिफाइन करना होगा। अभी देखिए ये ब्लॉक है, सपोज मुझे इसको अनब्लॉक करना है, तो अनब्लॉक कैसे करते हैं? अनब्लॉक करने के लिए आप इसको एक्सप्लोर कर दीजिए। एक्सप्लोर कमांड से क्या होगा, ये जो ब्लॉक था ये देखिए अनब्लॉक हो गया, ये नॉर्मल ड्राइंग में कन्वर्ट हो गया। आप इसको आप कॉपी क्रिएट करेंगे एंड इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको बता दूं यहाँ कुछ भी ब्लॉक एडिटर ओपन होने वाला नहीं है। तो मैं एक वंस अगेन ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। और मैंने इसको अनब्लॉक क्यों किया था, अनब्लॉक करने का पर्पस था कि मैं एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करूंगा और वहां पर मैं आपको एक इंसर्शन पॉइंट बताऊंगा, बेस पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने बी एंटर कर लिया एंड देन मैं इसका नेम एक्स वन कुछ भी नेम दे देता हूँ। एंड देन आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक है पिक इंसर्शन बेस पॉइंट, इस पर क्लिक करिए एंड देन इस लोअर कॉर्नर को डिफाइन कर दीजिए एंड देन ओके करिए। तो अभी आप देखेंगे जब भी हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से एक्स वन को इंसर्ट करेंगे तो बेस पॉइंट आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर होगा। ये देखिए इनकेस आपको ड्राइंग में कभी भी, और यही एडवांटेज है हमारे ब्लॉक इंसर्ट पैनल का कि हम यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आपको ये कोई बहुत बड़ा ड्राइंग है और आपने कहीं पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर ड्राइंग पे वो ब्लॉक्स यूज किया, तो आप उस लोकेशन को पहले जाके सर्च करो एंड देन वहाँ से कॉपी करो एंड देन यूज करो। आप डायरेक्टली इस इंसर्ट ब्लॉक ऑप्शन से भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लेफ्ट माउस बटन से इंसर्ट किया एंड देन आप देखेंगे जब मैं इंसर्ट कर रहा था तो यहाँ पर देखेंगे ये उसी पॉइंट से इंसर्ट हो रहा है जिस पॉइंट को मैंने एज अ इंसर्शन पॉइंट डिफाइन किया है। तो ये था इंसर्शन पॉइंट। आई होप आपको इंसर्शन पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे सपोज ये के ब्लॉक है और इसका हमने मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लिया है, और आपको बता दूं कि यहाँ से किसी एक ब्लॉक को बस एडिट करना है, बाकी अदर ब्लॉक में एडिट नहीं करना है। और ये ब्लॉक भी रहे जैसे मैंने अभी बताया, आप इसको एक्सप्लोर कर दीजिए, तो एक्सप्लोर करने से क्या हो गया, अब ये ब्लॉक नहीं है। इट मीन्स आप इस ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप चाहते नहीं ये भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो, तो आप बाद में वंस अगेन इसको बी एंटर करके इसका एक सेपरेट नेम दीजिए। जो लास्ट टाइम पे इस ब्लॉक का नेम था वो ब्लॉक का नेम सेम नहीं होना चाहिए, आप यहाँ कुछ और सेपरेट नेम डिफाइन करिए, देन ये भी एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक्स टू नेम दे दिया या फिर एक्स थ्री, तो ये भी एक ब्लॉक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि कभी किसी ड्राइंग में से किसी ब्लॉक में से किसी ब्लॉक्स को अनब्लॉक करना है तो कैसे करते हैं। अनब्लॉक करने के लिए आप एक्सप्लोर कमांड यूज कर सकते हो एंड उसी ब्लॉक को अनब्लॉक करने के बाद फिर से रीब्लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक बेसिकली क्या है, ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करते हैं। तो मैं आपको लास्ट में फिर से रिपीट कर दूँ, ब्लॉक के दो फंक्शन है। ब्लॉक का फंक्शन है ग्रुपिंग करना एंड दूसरा फंक्शन है कि एक ब्लॉक में एडिटिंग करने से अदर ब्लॉक में भी हमें एडिटिंग हो जाती है। तो इसका बेनिफिट यही है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट जिसमें हम कुछ और बाद में ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। देन समटाइम कुछ स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि यहाँ एक ग्रुप ऑप्शन है, ग्रुप एंड ब्लॉक्स में क्या डिफरेंस है। देन आपको बता दूं कि ब्लॉक्स में क्या होता है, ब्लॉक में ग्रुप में क्या होता है, ओनली ग्रुपिंग होती है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप का बेनिफिट होगा कि सिर्फ आप इनको एक साथ कॉपी मूव कर सकते हो, बट ग्रुप में यहाँ अनग्रुप ऑप्शन भी, आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई ब्लॉक एडिटर या ग्रुप एडिटर नहीं होता कि आप इसको एडिट करेंगे तो बाकी जो इससे आप कॉपी क्रिएट करेंगे उसमें भी एडिटिंग हो। वहीं पर आप ब्लॉक में देखते हैं कि ब्लॉक में क्या बेनिफिट होता है कि आप किसी एक ब्लॉक में एडिट करते हो तो बाकी अदर ब्लॉक में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। देन ग्रुप ऑप्शन क्यों, ग्रुप ऑप्शन का भी एक यूज़ है, वो किसी हम एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे बाद में कि ग्रुप ऑप्शन का हम किस तरीके से और इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट में अभी हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, कि कभी कभी जैसे हमने ये ब्लॉक क्रिएट किया है, सपोज एक ये ब्लॉक हमने क्रिएट कर लिया, इस ब्लॉक का नेम मैं दे देता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ BB1, ओके। एंड देन अभी मुझे ये ब्लॉक किसी के साथ शेयर करना है। नॉर्मली हम किसी फाइल को ऑटोकैड में कैसे सेव करते हैं, इस एप्लीकेशन मेनू पर जाते हैं, यहाँ से हम सेव करते हैं, DWG में जाके फाइल को सेव कर देते हैं। DWG वॉट, ऑटोकैड का एक्सटेंशन होता है, फॉर्मेट होता है। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये DWG फॉर्मेट में फाइल सेव होगी। एंड सेव मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, क्या ड्राइंग का फॉर्मेट होता है, ठीक है, इन सब पर भी हम एक सेपरेट क्लास हमारी होगी। बट आपको बता दूं कि इस ड्राइंग को जब आप सेव करेंगे तो नॉट ओनली दिस ब्लॉक, इवन आपकी इस ड्राइंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये भी है, ये भी है,
ये सारे ब्लॉग या और भी अदर ब्लॉग्स हैं तो ये सारे ब्लॉग्स लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। बट आप किसी एक सिंगल ब्लॉग को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो देन एक कमांड होती है राइट ब्लॉग डब्ल्यू बी, राइट ब्लॉग पर जाएंगे तो देन आप इस यहाँ से ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे किस ब्लॉग को आपको एक्सपोर्ट करना है एंड आप एक पाथ डिफाइन करेंगे कि उसको आपको डेस्कटॉप पे या किसी अदर लोकेशन पर उसको सेव करना है। आप उसको सेव कर लीजिए, जैसे ही आप ओके करेंगे ब्लॉग आपका सेव हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाकर बी बी बन के नाम से यहाँ पर फाइल मैंने सेव कर दी है, ओके करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बी बी बन फाइल किधर है। तो ये देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बी बी वन है, ये बी बी वन को मैं डबल क्लिक करूंगा तो देन आप देखेंगे कि एक सेपरेट ड्राइंग ओपन हुई है और इसमें सिर्फ ये एक सिंगल ब्लॉक है। तो आपको बता दूं कि ब्लॉक कभी किसी के साथ शेयर करना हो, जैसे सपोज ये ड्राइंग है ये आपको शेयर करना है तो देन आप डब्ल्यू बी का यूज करिए और यहाँ से ब्लॉक नंबर सेलेक्ट करके एंड लोकेशन डिफाइन करने के बाद आप शेयर कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, ब्लॉग के जो अदर टॉपिक्स हैं और कुछ भी ब्लॉग्स में भी बहुत कुछ है तो ब्लॉग्स का जो पार्ट टू होगा क्लास उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते चलिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा, दैट इज व्हाट, देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑटोकैड में हम कैसे एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग सिर्फ हमारे पास इस वजह से ही आते हैं कि उनको बहुत सारी ज्योमेट्री होती हैं या फिर एरियाज होते हैं जहां पर उनको वो एरिया कैलकुलेट नहीं करते बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।